नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं संसद के हंगामे की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, संसद में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, क्या ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? मुझे लगता है कि अब इस चीज की अति हो चुकी है। ये संसद में लगातार हंगामे होना अब एक परिपाटी सी बन चुकी है, और जो भी दल विपक्ष में आता है उसको लगता है कि उसका सबसे बड़ा अधिकार यह है कि वो संसद को न चलने दे। मुझे लगता है कि जिन दो मुद्दों को लेकर अभी कांग्रेस ने अपने दूसरे विपक्ष के सहयोगियों को साथ लेकर संसद लगातार ठप करने का काम किया है, उसमें पहला है ललित मोदी कांड और दूसरा है व्यापम। इन दोनों की जबरदस्त चर्चा मीडिया में हुई है, और जनता इन मुद्दों को लेकर जो भी जानना सुनना समझना चाहती है वो लगातार मीडिया में आया है। अगर अब उनकी ये मांग है कि इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें और सुषमा स्वराज या जिन लोगों के भी नाम शामिल हैं वो लोग भी सदन में जवाब दें, तो ये मांग जायज है। उनको अपना जवाब देना चाहिए, और जनता भी सुनना चाहती है और विपक्ष भी सुनने का अधिकार रखता है। संसद जो है वो कोई अदालत नहीं कि वहां फैसला हो जाएगा कि दोषी कौन है या मुजरिम कौन है। अदालत का काम अदालत को करना पड़ेगा, लेकिन संसद में एक जवाबदेही होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर है, और वहां पर जो विधायिका का काम है कानून बनाने का, वो मुख्य रूप से है। लेकिन चूंकि जो जनता जवाबदेह लोगों को वहां भेजती है उनकी जवाबदेही संसद के माध्यम से है, तो वहां जवाब आना चाहिए। लेकिन जब संसद चलेगी नहीं तो जवाब कैसे आएगा? अगर आप इस बात पर अड़ जाएंगे कि इस्तीफा नहीं होगा तो संसद ही नहीं चलने देंगे, तो बाकी जो संसद में काम होना है, लगभग 9 से 10 करोड़ रोज का खर्चा होता है संसद की कार्रवाई पर, यह जनता के टैक्स से आता है। यह पैसा आखिरकार अगर जाया हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सांसदों को संसद की कार्रवाई बंद होने के बावजूद भी सारे वेतन भत्ते मिलते हैं, इसके लिए अगर क्या जनता के पैसे से इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए इनकी जवाबदेही नहीं बनती है? मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से संसद को ठप करके और देश की जनता के पैसे का नुकसान किया जा रहा है, तो देश की जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बिजली पानी का और सड़क का और दूसरे अन्य तमाम टैक्सों का जो भुगतान है वो सरकार को रोक दे, और सरकार से कहे कि जब तक आप संसद ठीक से नहीं चलाएंगे तब तक हम भी अपनी तरफ से पैसा नहीं देंगे। तो क्या यह मान लीजिए कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया है? देखिए, एक हथियार के रूप में अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं कि आपकी बात को ज्यादा मजबूती से सुना जाए, वहां तक समझ में आता है। लेकिन इसकी एक सीमा आपको तय करनी पड़ेगी कि आखिर को आप संसद को कितने समय तक बंद रख सकते हैं। एक इसकी कोई लिमिट होना चाहिए। हर चीज की एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एक रबर है, उसको आप एक सीमा तक खींच सकते हैं, उससे ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। कांग्रेस अभी जो कर रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बात मजबूती से कही है। उन्होंने 2 दिन संसद बंद करवाकर, 3 दिन संसद बंद करवाकर यह साबित कर दिया है कि वो वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, खासतौर पर उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को लेकर सरकार की लगातार किरकिरी वैसे भी हो रही है। तो कांग्रेस ने यह भी बताने की कोशिश की है कि 44 सीटों पर सिमट जाने के बावजूद भी वो जोर लगाने को तैयार है, अपना अस्तित्व अपना वजूद तलाशने को तैयार है, और उसका उसे अधिकार है। कांग्रेस को दरअसल एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, उसकी देश को जरूरत भी है। और अगर कांग्रेस इसको पूरी मजबूती से करती है, कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो अपने जो नए तरीके से तेवर दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वजूद ज्यादा है, और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो निरंकुश हो जाएगी, तो फिर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उनको निरंकुश नहीं होने देना चाहिए, उनकी गलतियों पर उन्हें घेरा जाना चाहिए। आप देखिए कि यूपीए की सरकार के घोटालों को इसी भारतीय जनता पार्टी ने जब विपक्ष में बैठी थी किस तरीके से घेरा था। हमें ध्यान है कि कोयला घोटाले को लेकर लगातार सदन को ठप किया गया था, महंगाई पर सरकार की जवाबदेही तय करने को लेकर लगातार सदन को ठप किया गया था, आदर्श घोटाले को लेकर कांग्रेस को बुरी तरीके से घेरा गया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो चुप्पी है उसको लेकर बहुत तीखे प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। लेकिन आप ये देखिए कि जब पक्ष बदल जाते हैं तो लोगों की भाषा कैसे बदल जाती है। उस वक्त अरुण जेटली ने कहा था कि संसद को ठप करना, संसद को बंद करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आज वो कह रहे हैं कि हम जवाब देने को तैयार हैं, कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो गलत है। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने दोनों ने कहा था कि संसद की कार्रवाई जो ठप की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो गलत है, और सारी दुनिया हमें देख रही है और दुनिया हम पर हंस रही है कि हम किस तरीके से अपना लोकतंत्र चला रहे हैं। आज वही कांग्रेस विपक्ष में जाकर वही कर रही है जिसको लेकर वो कहती थी कि दुनिया हंस रही है। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो दोगलापन है, मुझे लगता है कि जनता भी अब बहुत ज्यादा परिपक्व हो चुकी है। अगर आप अपना पॉलिटिकल स्कोर बढ़ाने के लिए संसद को ठप कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। जनता इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आती। दिल्ली का चुनाव मुझे लगता है इस देश के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। जब लोगों को लगा था कि नरेंद्र मोदी जी की इतनी भारी बहुमत से जीत के बाद यह संभव ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल वापस जीत जाएंगे, इतना सारा प्रचार हुआ उनके खिलाफ, उसके बावजूद 67 सीटों से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है।
तो इस मजबूत होते हुए लोकतंत्र को, जनता की इस परिपक्व सोच को अब आपको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि संसद में हंगामा कर देने भर से आपके जो पॉइंट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, आपके वोट बैंक नहीं बढ़ेंगे। आपने अपनी बात रख दी, आपने मजबूती से रख दी, आपने सरकार को मजबूर किया है कि वो इस बात पर जवाब दे, और सरकार को जवाब देना चाहिए। इससे आगे आपको लगातार नए मुद्दे ढूंढकर सरकार की गलतियों को ढूंढकर उठाना होगा, बजाय कि उसी बिंदु पर अड़े रहने के। यदि कि संसद ठप रहती है, कई बिल बिना चर्चा के पास हो जाते हैं, वो जनता को पता ही नहीं चल पाता, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि जिस लोकपाल बिल को लेकर हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, इतना हंगामा हुआ, वो शुरुआती दौर में बिना चर्चा के ही सदन में आ गया था, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जिस आईटी एक्ट को लेकर अभी इतना हंगामा हो रहा है, आईटी एक्ट में बदलाव की बातें हो रही हैं, आईटी एक्ट अब जनता से रोजमर्रा की चीजों से जुड़ गया, क्योंकि वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो गतिविधियां संचालित करते हैं वो आईटी एक्ट के दायरे में आती है, वो आईटी एक्ट सदन में उस समय में बिना चर्चा के प्रस्तुत हो गया था और पारित हो गया था। मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों से जो सीधे सीधे जुड़े हुए विधेयक हैं, प्रस्ताव हैं, उन पर सदन में बहस होनी चाहिए, उन पर चर्चा होना चाहिए, बजाय कि इस तरीके से सदन का समय खराब करने के। आखिर ये हंगामा रुकेगा कैसे? मुझे लगता है कि समझदारी दिखाकर कांग्रेस को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि उनके पास जो हथियार है उसका वो लगातार उपयोग नहीं कर सकते। जिस सीमा तक उन्होंने उपयोग कर लिया है, उस सीमा के बाद उनको अब मुझे लगता है कि नए तरीके से अपनी बात रखनी होगी। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे संसद के हंगामे की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।